जय स्वामीनारायण वाला भक्तो, आ वीडियो में हूँ तमने गढ़ाड़ीना आबा शेठ केवा आकरा नियम पाड़ीने भगवानो राजीपो लेता ए प्रसंग जणावीश। उत्कृष्ट प्रेमनु ए लक्षण छे जे जेना उपर प्रेम होय तेना वगर घड़िए रहेवाय नहीं, तेनु मनमा रटन रहे। आंबा शेठ ने न्याल करनु रटन सदाय रहिया करतु, पोते रहे गढ़ाड़ीमा पण मन तो गढ़ड़ामा ज होय। ने श्रीजी महाराज ज्यारे गढ़ड़ा बिराजता होय त्यारे अवश्य दर्शने जाय, दर्शन कर्या वगर भोजन न लेवू एवो आकरो नियम पण राखेलो। महाराज पण शेठनो आवो प्रेम जोई तेमना ऊपर खूब ज राजी रहता, ने ज्यारे गढ़ड़ाथी पोताने बीजे गाम जवानु होय त्यारे आंबा शेठ ने ए प्रसादीनी मूर्ति आपीने कहता के आंबा शेठ, अमे घणा दिवस अन्य भक्तोने लाभ आपवा बहार गाम जईए, त्यां सुधी दर्शन न थाय तेथी भूख्या न रहेवाय, माटे आ मूर्तिना दर्शन करी मने संभाळीने तमारे अनजण लेवू। एक वखत एवं बन्यु के महाराज ने अचानक सारंगपुर जवानू थयु, तेथी आंबा शेठ ने वात थई सकी नहीं ने मूर्ति पण आपवानी रही गयेली। आंबा शेठ तो पोताना नित्य कर्म प्रमाणे वहली सवारे दातण लईने गढ़ा गया, महाराज तो सारंगपुर पधार्या छे एवा खबर मळ्या। हवे शुं करवू, दर्शन वगर पाछा जवानो अर्थ नथी। आंबा शेठनी कसोटीनो आ प्रसंग हतो पण ते जराय डग्या नहीं, महाराजना दर्शन वगर तो पाछा जवू ज नथी एम मक्कम निर्धार करी ए तो चाल्या सारंगपुरना मार्गे गढ़ाड़ीथी गढ़ड़ा चालीने आवेला। पण प्रभु दर्शननी तालावेलीमां शारीरिक परिश्रम पण तेमने लागतो नहीं, उतावळे पगले सारंगपुर पहोंची तो गया। पण त्यां जाणवा मळ्युं के महाराज थोड़ी ज वार पहेला लोया पधार्या छे, खरो बपर चढ़ियो छे ने सतत चालवानो ठाक छे। अन तो शू जड़ पण लीधुं नथी तोय आंबा शेठनी धीरज खूटी नहीं, लोया तो दर्शन थशे एम धारी त्यां गया। पण महाराज तो वड़ताल तरफ जवा निकली गयेला, भलभलानी धीरजनो अंत आवी जाय एवो प्रसंग हतो। तोय शेठ जराय अकड़ाया नहीं, मनमां विचारे छे के मारामां कंईक कचास हशे ते महाराज आ रीते तड़ावता हशे। भगवानना दर्शन माटे केटला आकरा व्रत तप करे तोय दर्शन थता नथी, मने तो आटलू चाली दर्शन तो थसे ने, माटे चाल मनवा वड़ताल तरफ। मन उपर जीत मेळवी वड़ताल ने पंथे प्रयाण कर्युं। जय न्यालकरण मनमां करता जाय छे ने झड़पथी पगला भरता जाय छे। भूख तरसथी पग ढीला पड्या छे पण मन मजबूत छे। लोयाथी चौथे दिवसे आ सुरवीर प्रेमी भक्त वड़ताल पहुंच्या। वड़तालमां ज्ञानबागमां आम्र वृक्ष नीचे महाराज सभा करीने विराजमान हता। त्यां आंबा शेठने दूरथी जोई महाराज बोल्या, आवो आवो आंबा शेठ, केम अहीं आवू पड्युं? आंबा शेठ बोली शक्या नहीं, आँखमां प्रभु मिलनना हेतना आंसु चाल्या जाय छे। महाराज तो अंतर्यामी छे, भक्तना मनो भाव जाने छे, छता मनुष्य चरित्र करी बीजाने जणावा फरी पूछ्यू, शेठ छ दिवस पहला तो आपने मळ्या छीए, वळी हमणा लांबो पंथ कापीने केम आव्या? आंबा शेठ कहे, महाराज तमारा दर्शन कर्या वगर अन्न जल नहीं लेवानो नियम तो आप जाणो छो, वळी आप मूर्ति आपो छो ए पण आ वक्ते मळी नहीं, तेथी बीजे दिवसे दातण आपवा आव्यो ने आपना दर्शन न थया, तेथी हूँ तो अहीं दोड़ी आव्यो छू। महाराज आजे आपना दर्शन थी कृतार्थ थयो छू, आप अंतर्यामी बधु जाणो छो। आ सांभळी महाराज तरत सभामां उठी सामा जई गळामांथी प्रसादीनो हार शेठने पहेरावी बात भरीने मळ्या। आंबा शेठ रोमांचित गात्र बनी गया, तेमना भूख तरस सौ समी गया। प्रभुना स्पर्શથી શેઠ ધન્ય બની ગયા છે, ભક્ત અને ભગવાનનું આ અદ્ભુત મિલન હતું। સ્તબ્ધ થઈ આ અનેરું દ્રશ્ય જોઈ રહેલા સભાજનોએ મહારાજને કહ્યું, જોઈ આ ભક્તની નિયમની દ્રઢતા, દર્શન માટે છેક ગઢાડીથી લાંબો પંથ કાપીને ભૂખ્યાને તરસ્યા આવ્યા છે,
આવો પ્રેમી ભક્તને જોઈ અમારા હૃદયમાં પણ પ્રેમનો ઉભરો આવે છે. મહારાજે પછી મૂળજી બ્રહ્મચારીને તરત જ સ્થાળ તૈયાર કરવા કહ્યું. મહારાજે આંબા શેઠને હાથે ફીરસી ખૂબ જ આગ્રહ કરી જમાડ્યા. વાહ મારા ન્યાલકરણ, તું તો મને સદા ન્યાલ કરી રહ્યો છે. એમ ન્યાલકરણની રચના સાથે આંબા શેઠ ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ મહાપ્રસાદ જમતા જાય છે. આકરો નિયમ પણ પ્રભુની દયાથી પાર પડ્યો તેનો આનંદ અનુભવતા જાય છે. સર્વ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. સત્સંગના આવા જ વિડીયો રોજ જોવા માટે સ્વામિનારાયણ કથા ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો. જય સ્વામિનારાયણ.